असर की अजान होने लगी है, चलो मस्जिद में सपारा पढ़ने भी जाना है। ओए अभी मेरी बारी रहती है, सपारा पढ़ कर आएंगे फिर तुम अपनी बारी ले लेना। अभी चलो वरना कारी साहब से मार पड़ेगी। रुको मैं बैट बॉल घर छोड़ के आता हूँ। यार विकेट भी ले जाओ, मैं तुमसे बाद में ले लूँगा। ओए असद, मेरा सपारा कहाँ है? यार जहाँ तुमने कल रखा था वहीं होगा, मुझे क्या पता। वहाँ नहीं है, कल तुमने रखा था मेरा सपारा। मैंने नहीं, वो उमर ने रखा था। वो घर बैट बॉल छोड़ने गया है, अभी आ जाएगा, बल्कि आ ही गया है। उमर, कल तुमने फाहद का सपारा कहाँ रखा था? मस्जिद वाली अलमारी में। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ढूंढ के देता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ बैठ के दूसरे बच्चों के साथ सपारा क्यों नहीं पढ़ रहे? कारी साहब, मेरा सपारा नहीं मिल रहा, कल इसने कहीं रखा था। तो वहाँ मदरसे में जाकर ढूंढो, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? कारी साहब, इसने कहा है कि मैंने मस्जिद वाली अलमारी में रखा था। कारी साहब, इधर ही रखा था मैंने कल। यहाँ पे क्यों रखा था तुमने? जहाँ बाकी बच्चे अपने सपारे रखते हैं वहाँ पे क्यों नहीं रखा था? कारी साहब, वहाँ से अक्सर सपारा गायब हो जाता है, कोई भी किसी का भी सपारा उठा लेता है, फिर वहाँ से मिलता नहीं। उमर, क्या तुम वजू करके नहीं आए? तुम्हारे पैरों पर तो अभी तक मट्टी लगी हुई है। तुम या तो वजू करके ही नहीं आए या फिर सही से वजू करके नहीं आए। कारी साहब, हम पार्क में बैट बॉल खेल रहे थे, अजान हुई तो हम लोग मस्जिद में आ गए। ये घर बैट बॉल छोड़ने गया था, देर हो रही होगी इसलिए इसने वजू किया ही नहीं होगा। बेटा, बिना वजू किए कुरान पाक को छूना मना है। अगर आपने वज़ू ना किया हो तो कुरान पाक को हाथ लगाना शदीद गुनाह है। याद रखो बेटा, वज़ू इबादत की कुंजी है। अगर आपका वज़ू ही सही ना हो तो इबादत भी सही नहीं होगी, बल्कि वज़ू बज़ाते ख़ुद एक इबादत है। इंसान वज़ू करते हुए जैसे जैसे अपने आज़ा को धोता है, अल्लाह तबारक व तआला वैसे वैसे ही उसके गुनाह धो देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वज़ू करने वालों के चेहरे नूर से जगमगा रहे होंगे और मैं अपनी उम्मतियों को उनके चमकदार चेहरों से पहचान लूँगा। जो बंदा हर वक्त बावज़ू रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम दुआएं कबूल फरमाता है। एक और हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को वज़ू करके लेटे और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे तो एक फ़रिश्ता रात भर उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। मगर बेटा, जहाँ वज़ू करने की इतनी अहमियत और फजीलत है और अल्लाह तबारक व तआला वज़ू करने वाले को इतना सवाब अता फरमाता है, वहीं वज़ू के बिना कुरान पाक को छूने या बग़ैर वज़ू किए नमाज पढ़ने का उतना ही शदीद गुनाह भी है। कारी साहब, अगर कोई रात को वज़ू करके सो जाए तो वो सुबह उठ कर नमाज पढ़ सकता है? नहीं बेटा, गहरी नींद सो जाने से वज़ू टूट जाता है। अगर आप इस तरह गहरी नींद सो जाएँ कि आपके जिस्म के आज़ा ढीले पड़ जाएँ, यानी आपको गहरी नींद आ जाए तो वज़ू टूट जाएगा, चाहे आप थोड़ी देर के लिए ही गहरी नींद सोए हों। इसलिए रात को वज़ू करके सोने से आप सुबह की नमाज बिना वज़ू अदा नहीं कर सकते। अच्छा कारी साहब, क्या कपड़े तब्दील करने से वज़ू टूट जाता है? नहीं बेटा, कपड़े तब्दील करने से वज़ू नहीं टूटता। अगर आप वॉशरूम वगैरह ना जाएँ या आपके जिस्म से कोई चीज़ खारिज ना हो तो वज़ू नहीं टूटता। कारी साहब, वज़ू करते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के लिए मुख्तलिफ दुआएं इरशाद फरमाई हैं, जिन्हें हम वज़ू के शुरू में, वज़ू के दरमियान में और वज़ू के आखिर में पढ़ सकते हैं। जब हम वज़ू शुरू करें तो हमें ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लामी। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो अज़मत वाला है, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए बयान करता हूँ दीन इस्लाम पर होने की वजह से। वज़ू के दरमियान में हमें ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस दुआ का तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह, आप मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए मेरे घर में वसाअत दे दीजिए और मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा दीजिए। जब हम वज़ू मुकम्मल कर लें तो फिर ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। इसका तर्जुमा है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह, आप मुझे खूब तौबा करने वालों और खूब पाक साफ़ रहने वालों में से बना दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देगा, वो जिस दरवाज़े से चाहेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कारी साहब, ये दुआ तो काफ़ी आसान है क्योंकि इसका पहला हिस्सा तो कलमा शहादत है, वो मुझे याद है, इसका दूसरा हिस्सा मैं याद कर लूँगा। कारी साहब, मैं भी इन दुआओं को याद रखूँगा और दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। शाबाश, अब जाओ और वज़ू खाने से सही तरीके से वज़ू करो और दूसरे बच्चों के साथ वहाँ बैठ के सपारा पढ़ो। ठीक है कारी साहब।